Rani, no. Disrespectful, Nimi. Hana. Roji. कितना प्यार करता हूँ मैं तुमसे, अपने हाथों से खाना खिला रहा तुम्हें। कौन सा पति करता आजकल ऐसा? तुमने थूक दिया समृद्धा के साथ रहकर ना, तुम्हारी आदतें बिगड़ रही है। खाने का डिसरिस्पेक्ट करती हो तुम। अच्छा लगा ना, और खाएंगे। ये लो निमी, खाओ। कोई निकम्मा ही किसी औरत के साथ ऐसे जबरदस्ती कर सकता है, और ये जबरदस्ती इसलिए कर रहा है क्योंकि ये जानता है कि कोई और लड़की इसकी तरफ देखना तो इस पे थूकना भी पसंद नहीं करेगी। ये हमसे ज्यादा डरा हुआ है, हमें इस तरह बांध के जबरदस्ती करके हमें कमजोर और खुद को ताकतवर समझ रहा है। ये बेवकूफी है इसकी। एक बार निम्मी के हाथ खुल गए ना, तो ये ऐसी सेवा करेगी ना तुम्हारी, उसके निशान तुम्हारे गालों में छप जाएंगे। इग्नोर करो, कुछ भी बोल रही। अच्छा क्या भाभी को सदमा लग गया ना, उनको दिख नहीं रहा है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ फ्री है, उनकी ये हालत है। मैं जब चाहूं जैसे चाहूं इसकी कैंची जैसी जुबान को काट के रख सकता हूं हमेशा हमेशा के लिए। तो तुम्हें रोका किसने? किसी चीज का डर है तुम्हें? किस बात का डर है राजी? How are you, baby? अमृता से दूर रहना। Hey, अमृता, शट अप। नहीं नहीं नहीं, आराम से, प्रसाद है, बॉम्ब नहीं, जूते निकाल लेता हूँ। ये माता रानी का प्रसाद है, ये इसको हम खाएंगे। हाँ, आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें, नहीं खाओगे ना? तुम जैसे राक्षस को देवी माता के सामने जाना भी नहीं चाहिए, भस्म कर देंगे वो तुम। कौन से युग में जी रहे हो अमृता? तुम ना विराट सर के बारे में सोचना बंद करो और वापस कलयुग में आओ। और इस कलयुग में राक्षस भस्म नहीं होता, तुम जैसे माता के भक्त का भ्रम होता है भस्म। और तुम एक काम करो अमृता, तुम दिन गिनना शुरू करो, क्योंकि इस साल रावण मरेगा जरूर, लेकिन उसके साथ साथ तुम भी मरोगी। और तुम्हारे मन में बना, मैं जश्न मनाऊंगा। जश्न मनाऊंगा, जश्न मनाऊंगा। ए, तुम क्या देख रही हो? तुम्हें भी डर लग रहा है ना कि भाभी के साथ साथ ननद भी मरेगी? तुम नहीं बचने वाली हो, और नहीं आने वाला तुम्हारा विराट सर या विराट भाई बचाने के लिए। पता है क्या होगा? इस युग में देवी राक्षस को नहीं, राक्षस देवी को नहीं हारेगी। ना उस युग में देवी हारी थी, ना इस कलयुग में देवी हारेगी। We'll be right back.
विराट भाई का ही का हाँ मुंबई हाँ बोलो ना बात कहूं आपसे जब मेरा मन बहुत खराब होता था या मैं गुस्से में खाना नहीं खाता था ना तो अमृता मुझे कभी फूका सोने नहीं देती थी हर बार यही कहती थी कि खाने पे नाराजगी निकालने का क्या फायदा ये बात आपसे सीखी उसने उसके खातिर खा लीजिए प्लीज इस वक्त ना अमृता को हिम्मत की जरूरत है और उसकी सबसे बड़ी हिम्मत आप हैं अगर आप कमजोर पड़ जाएंगी तो कैसे लड़ेगी वो हालातों से प्लीज खा लीजिए भवानी मेरी बहन है मैं हैंडल कर लूंगी उसे और ये वो उस इंसान की मां है जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी भी माँ हुई ना आंटी प्लीज और किसी के लिए नहीं सही पर अमृता के लिए खा लीजिए तुमने भी तो देखा।